अरबपति कारोबारी और नेता दीपक भारद्वाज की हत्या में एक नया खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें, पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने शूटर्स की कार चलाने वाले अमित और उसके भाई नितेश को हिरासत में लिया और उसके बाद यहां पर हम आपको बता दें अमित ने कई यहां पर खुलासे किए हैं। सीधे रुक करते अपने संवाददाता चिराग गोटी का, चिराग क्या कुछ पुलिस जान पाई है अमित के इस बयान के बाद? देखिए, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि जो अमित जिसको हिरासत में ले रखा है और लगातार उससे पूछताछ हो रही है, उसने बताया है कि सबसे पहले जो दोनों किलर थे वो सबसे पहले उसके पास आए थे जहांगीरपुरी में, वहां से उसको पिक किया था और गाड़ी ड्राइव करके ये खुद लेकर गया था फार्म हाउस तक। इसको इस बात की जानकारी नहीं थी तब तक कि जो है ये हत्या कांड को अंजाम देने जा रहे हैं दोनों, लेकिन ये कहना है कि जब ये पूरी हत्याकांड इन्होंने अंजाम दिया और ये जब इसने गोलियों की आवाज सुनी और वो बाकायदा गाड़ी की तरफ भागे और उसने देखा कि गेट बंद है तो इन्होंने गेट खोला और उसके बाद जब ये गाड़ी में बैठे तो ये जिस तरह से बातचीत कर रहे थे और जिस तरह से इनके हाव भाव थे, कहीं ना कहीं मोबाइल पर ये लगे हुए थे बातचीत करने में दोनों आरोपी, और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं करीबियों से बात की थी। इस तरह से बात अमित का कहना है, कौन से वो करीबी थे, किनसे बात हुई थी, ये जानकारी अभी पुलिस खुलकर नहीं दे रही। सिर्फ इतना साफ बताया कि जो बातचीत हुई है दोनों आरोपियों की और उसके बाद जो उसके बेसिस पर जो है अमित ये बता रहा है कि वो करीबी से किसी से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि नाम का भी खुलासा उसने बताया है जिससे बातचीत हो रही थी, लेकिन वो अभी पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही है। उनका ये कहना है कि अभी जांच की जा रही है, जब तक दोनों आरोपी नहीं पकड़े जाते तब तक जो है वो एग्जैक्ट ये किन लोगों की साजिश थी ये अभी साफ नहीं हो सकता।